सो ही गजर कैसे हो, वेलकम बैक मैन अदर न्यू वीडियो। तो भाई आपका आ गया फिर से न्यू वीडियो के साथ। तो गजर कैसे हो, आई होप सब लोग बेस्ट होंगे। सो आपका भाई आपके लिए आ गया फिर से न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें बात करने वाले काफी सारे अपकमिंग अपडेट एंड गैजेट्स के बारे में। दिन यार वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, जल्दी आप सी को एक न्यू फेडरल देखने मिलने वाला है एंड इस आने वाले फेडरल के अंदर आप लोग को न्यू एनिमेशन देखने मिलने वाला है। साथ ही अगर आप सी को एक स्काईवी का स्किन भी देखने मिलने वाला है जो यार काफी ओपी है। फेडरल के डेट एंड गैजेट्स के बारे में वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही फिर बात करने वाले जुलाई मंथ के मिस्ट्रप के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे कमेंट आप लोग पूछ रहे थे एंड यार कर रहे थे जुलाई मंथ में कोई इलाइट पर डिस्काउंट का इवेंट गेम के अंदर आने वाला है या नहीं, क्योंकि यार ऑलरेडी जो इवेंट है हमारे गेम के अंदर आने होते हैं, जो डेट है इंडियन सर्वे के लिए वो ऑलरेडी एंड हो चुका है 20 से 25 तारीख बीच। तो देखो कोई ऐसा इवेंट आने वाला ही नहीं जिसके बारे में आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। एंड इसके साथ साथ बात करने वाले कन्फर्म बैपरोल के बारे में, जो आपसे को गेम के अंदर देखने मिलने वाला है। आने वाले नेक्स्ट बैपरोल का स्किन कन्फर्म हो चुका है इंडियन सर्वे के लिए। तो जल्दी से गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गाइस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पे न्यू आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को सेट कर रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अपडेट आपका भी पर डे आपके लिए लाता रहता है। एंड चलो फिर तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। आज मॉर्निंग के टाइम पे ही हमारे गेम अंदर ड्रैगो एक के रिटर्न में आ चुका है। एंड अगर आप लोग ड्रैगो एक को निकालना चाहते हो एंड न्यू टॉप इवेंट भी आने वाला है अगर आप लोग टॉप अप करना चाहते हो, अगर आपसे भी कोई काफी मस्त वेबसाइट के बारे में बताने वाले जहाँ पे काफी डिस्काउंट प्राइसेस में आप लोग को काफी सारे डायमंड्स मिल जाते हैं। ज्यादा कुछ बताऊँ इससे पहले, यहाँ पे डायमंड के प्राइसेस आप लोग देख लीजिए, काफी लो एंड प्राइसेस में काफी सारे डायमंड आप लोग को देखने मिल जाता है। मेंबरशिप यूआईडी टॉप अप सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है, काफी लो एंड प्राइस में आप लोग को सारे चीजें यहाँ पे देखने मिल जाता है अगर आप लोग चाहते हो ड्रैगो को निकालने के लिए। एंड अगर इन फ्यूचर टॉप अप करने के लिए सोच रहे हो तो भाई एक बार इस वाले वेबसाइट को चौक से ट्राई करके देख लीजिएगा। देखो आईडी पासवर्ड टॉप अप देखने मिल जाता है, साथ ही अगर यूआईडी भी टॉप अप है तो डरने की भी कोई बात नहीं है। एंड मैं खुद इससे टॉप अप करता हूँ, तो अगर आप लोग भी चाहते हो टॉप अप करने के लिए तो गाइस वेबसाइट का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर से जाकर ट्राई कर लीजिए। तो वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले कुछ अपकमिंग अपडेट के बारे में जो आप लोग को जल्दी हमारे गेम के अंदर देखने मिलने वाला है। देन उससे पहले यहाँ पे बात करते हैं टूर्नर अपडेट के बारे में, क्योंकि आपका भाई सबसे पहले आप लोग को टूर्नर अपडेट बताता है। आज रात 12 बजे के बाद तो कोई ज्यादा कुछ खास इवेंट गेम के अंदर नहीं आने वाला, बट एक टॉप इवेंट आने वाला है हमारे गेम के अंदर न्यू वाला, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोग को काफी पहले बता रखा है। एंड फिर से अगर आप लोग यहाँ पे टॉप इवेंट देख लीजिए, इस वाले टॉप इवेंट के अंदर आप लोग को एक बैकपैक साथ ही अगर एक लोड बॉक्स का स्किन आप लोग को देखने मिल जाएगा। ये जो टॉप इवेंट है हमारे बैटल द स्टाइल इवेंट से रिलेटेड होने वाला है, जो लास्ट का ये टॉप इवेंट होने वाला है। इसके बाद आने वाले जितने सारे टॉप इवेंट होने वाले हैं जिसमें आप लोग को न्यू अपडेट से रिलेटेड ये आइटम देखने मिल जाएगा। फिलहाल का जो है लास्ट अपडेट होने वाला है हमारे पिछले अपडेट के कुछ बचे हुए आइटम का, जो आप लोग को कल देखने मिल जाएगा। चलिए जल्दी इस वीडियो में गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेम के अंदर आने वाले एक न्यू फेडरल के बारे में, जो हमारा एमिनेंट 7 इवो गन स्किन आने वाला है, जिससे रिलेटेड होने वाला है। वैसे यार एमिनेंट 7 का इवो गन स्किन के बारे में डेट ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया है, आने वाले हमारे अगस्त मंथ के लास्ट तक आप लोग एमिनेंट 7 का इवो गन स्किन के लिए फेडरल देखने मिलने वाला है। देखो यहाँ पे बात करते हैं इससे रिलेटेड जो आने वाले कुछ आइटम है जिसके बारे में, क्योंकि यार इससे रिलेटेड काफी सारे आइटम है जो हमारे गेम के अंदर पहले भी देखने मिलने वाला है। इस वाली अपडेट के अंदर दो एनिमेशन आने वाले हैं, दोनों एनिमेशन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जिसके बाद आप लोग डिसाइड करना दोनों में से कौन से एनिमेशन को आप लोग लेने वाले हो। सबसे फर्स्ट एनिमेशन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारे इवो गन स्किन के थीम पे यहाँ पे है, जिसके अंदर आप लोग एक स्काई बोर्ड का स्किन, सॉरी स्काई विंग का स्किन देखने मिल जाता है। साथ ही अगर इसके अंदर एक एनिमेशन भी आप लोग को देखने को मिलने वाला है। अब ये जो स्काई विंग का स्किन है भाई लिटरली काफी ज्यादा ऑसम है, देखने में तो काफी बड़ा लग रहा है, बट ये जो स्काई विंग है जिसके साथ आप लोग को एनिमेशन में देखने मिल जाता है। बात करते हैं इसके फेडरल के बारे में, कब ये जो है स्काई विंग का स्किन आप लोग को गेम के अंदर देखने मिलने वाला है। देखो एनिवर्सरी का जो इवेंट है हमारे गेम का 7 से 8 अगस्त के बीच स्टार्ट हो जाएगा, एंड इससे रिलेटेड जो आने वाला फेडरल है आप लोग को 10 तारीख तक यानी 10 अगस्त को देखने को मिलने वाला है। 9 से 10 अगस्त के बीच आप लोग को एक फेडरल देखने मिल जाएगा, जिसके अंदर ये स्काई विंग का स्किन आने वाला है, देखने में तो काफी लिटरली ऑसम लग रहा है। जो यहाँ पे दूसरे वाले स्काई विंग का स्किन है जिसके बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ अपडेट आप लोग को बताऊँ उससे पहले गाइस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, साथ ही अगर चैनल पे न्यू आकर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपका भाई पर डे आपके लिए ऐसी फिर फाट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। तो चैनल को गाइस जरूर से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिलहाल यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड एनिमेशन के बारे में जो हमारे गेम के अंदर आने वाला है। अब देखो ये जो एनिमेशन है आप लोग को हमारे अगस्त मंथ के बाद आने वाले मंथ के अंदर देखने मिलने वाला है, क्योंकि एक मंथ में आप लोग को सबसे पहले एक ही एनिमेशन लाकर देने वाला है। आने वाला जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट मंथ होने वाला है, जिसके अंदर आप लोग को ये एनिमेशन देखने मिलने वाला है। इसलिए इसके पॉसिबल डेट अभी मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आपको बता अभी काफी टाइम है, जिसके कारण पॉसिबल डेट के चांसेस अभी काफी ना के बराबर है। आने वाले कुछ वीडियो के अंदर आप लोग को इसके पॉसिबल डेट में यहाँ पे बता दूंगा, बट चलो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना दोनों में से कौन सा एनिमेशन ज्यादा आपसे को ओपी लगा। मुझे तो गाइस फर्स्ट एनिमेशन ज्यादा अच्छा लगा, आप लोगों को कौन सा एनिमेशन अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में आप लोग जरूर से बता दीजिएगा। चलो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट वेपन रोल के बारे में। देखो काफी पहले से आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे वेपन रोल को लेकर, भाई नेक्स्ट वेपन रोल के अंदर कौन सा गन स्किन आने वाला है। अभी देखो दो पॉसिबल ऐसे गन स्किन है जिसके अपडेट आ रहे हैं कि हमारे नेक्स्ट वेपन रोल के अंदर आ सकता है। सबसे फर्स्ट जो एनिमेशन है गन स्किन है, जिससे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, देखने में काफी ऑसम है।
इसके अंदर जो एनिमेशन डाला गया वो भी काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है देखने में। एंड इस M10 वाले गन स्किन के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे गेम के अंदर फैस से नेक्स्ट वेपन रोल के अंदर डाला जा सकता है। वेपन रोल आने वाला है भाई M10 गन स्किन का, तो समझ रहे हो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपसे, 50-50 के यहाँ पे चांसेस है, क्योंकि यार एक और भी गन स्किन है जिसके बारे में भी आप लोग अपडेट यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि यार आप लोग को ऑलरेडी मैंने काफी पहले से बता रखा है कि भाई हमारे गेम के अंदर एक और भी गन स्किन है जिससे रिलेटेड भी अपडेट आ रहे हैं। आपको पता होगा पिछले ही अपडेट में एक न्यू गन स्किन हमारे गेम के अंदर ऐड किया गया था, गन स्किन नहीं गन ऐड किया गया था M24 का, जिससे रिलेटेड अपडेट आ रहा है कि आप लोग को न्यू जो है गन स्किन गेम के अंदर देखने मिल सकता है वेपन रॉयल के अंदर। लाल गजर गन स्किन का लुक अभी नहीं रिलीज हुआ है, कैसा होने वाला है आप लोग को आने वाले वीडियो के अंदर मैं इससे रिलेटेड अपडेट दे दूंगा। फिलहाल का जो एक पॉसिबल गन स्किन के अपडेट आ रहे थे मैंने आप लोग उसके बारे में बता दिया, जिसके चांसेस है इंडियन सर्वर के अंदर आप लोग को देखने मिल सकता है। आने वाले M10 गन स्किन के एट्रूट के बारे में ज्यादा डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे बात नहीं किए हैं, तो अगर आप लोग को एट्रूट देखने हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके जाकर देख सकते हो क्या कुछ एट्रूट उसके अंदर रहने वाला है। वैसे M10 का गन स्किन आने वाले वेपन रॉयल के अंदर, तो भाई आप लोग मुझे कमेंट में बता देना आपका वेपन रॉयल में कितना लक है। मेरा तो गाचर 80-90 के बीच होगा, आपका वेपन रॉयल के अंदर कितना लक है इसके बारे में मुझे कमेंट में आप लोग जरूर से बता दीजिएगा। अब चलो यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मंथ आने वाले मिस्ट्रॉप के बारे में, आई मीन गाचर इलाइट फास्ट डिस्काउंट जो आने वाला है जिसके बारे में, क्योंकि ना जाने इससे रिलेटेड कितने सारे कमेंट आप सभी के आ रहे हैं। यार आने वाला जो हमारे गेम के अंदर होने वाला मिस्ट्रॉप जिसके बारे में अपडेट आप लोग को काफी पहले से मैं बता रहा हूं, देखो आने वाला जो इस मंथ का मिस्ट्रॉप होने वाला है इस मंथ देखिएगा नहीं मिलने वाला आप सभी को। इस मंथ मिस्ट्रॉप आने के चांसेस गाचर 10-20% ही है, क्योंकि अगर मिस्ट्रॉप आने होता तो भाई गिरना काफी पहले इसे ला कर दे देता गेम के अंदर। अब देखो इसे सुनकर वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि और भी कुछ अपडेट है जिसके बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। देखो आने वाला जो हमारा मिस्ट्रॉप होने वाला इस मंथ का, जिसके चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी मिस्ट्रॉप का जो डेट है 20-25 तारीख एंड हो चुका है। एंड पिछले कुछ अपडेट से अगर देखने वाले हो तो मंथ के स्टार्टिंग में या तो मिस्ट्रॉप डाला जा रहा है या फिर मंथ के लास्ट में डाला जा रहा है जो 20-25 तारीख होने वाला, तो बात ये जो है एंड ही होने वाला, एंड मिस्ट्रॉप अभी गेम के अंदर नहीं डाला गया है, इसलिए यहाँ पे चांसेस जो है ना ही के बराबर है। अभी बात करते हैं क्या इलाइट पर डिस्काउंट आ सकता है मिस्ट्रॉप अगर नहीं डाला जाता है, तो अगर इसके दो पॉसिबल ऐसे इवेंट है जिसके बारे में अपडेट आ रहे हैं। सबसे पहला इवेंट के बारे में आप लोग को बताया था कि देखो काफी सारे सर्वर में अपडेट आ रहे हैं कि ऐसा कुछ इवेंट इंडियन सर्वर के अंदर भी आ सकता है। ये जो इवेंट एक डिस्काउंट इवेंट की तरह रहने वाला है जिसके अंदर बंडल देखने मिलने वाला है, साथ ही अगर आप लोग को लाइट पास भी इसके अंदर देखने मिल जाएगा जिसके अंदर आप लोग को डिस्काउंट मिलने वाला है, एंड उससे ही आप लोग लाइट पास को परचेस करने वाले हो। एंड दूसरा जो इवेंट है जिसके बारे में भी ज्यादा यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है, क्योंकि आप लोग को पता है पिछले ही अपडेट का एक बंडल जो है बचा हुआ है जिससे रिलेटेड हमारे गेम के अंदर किसी भी इवेंट में इसे नहीं डाला गया है। एंड एक और भी अपडेट इस वाले इवेंट से रिलेटेड आप लोग को देना चाहूंगा, सिंगापुर के सर्वर में ये जो इवेंट है ऑलरेडी आ चुका है, तो इंडियन सर्वर में आने के इसके चांसेस काफी ज्यादा हाई है। मैं कहते हैं पे बात कर रहा हूँ भील ऑफ डिस्काउंट इवेंट के बारे में, क्योंकि काफी टाइम से भील ऑफ डिस्काउंट इवेंट हमारे इंडियन सर्वर के अंदर नहीं डाला गया है, सिंगापुर के सर्वर में इस वाले भील ऑफ डिस्काउंट को डाला गया, इसलिए यार इंडियन सर्वर के अंदर भी काफी हाईली चांसेस है कि इसे डाला जा सकता है। बात करते हैं गाइस इसके पॉसिबल डेट के बारे में, तो देखो इसका जो पॉसिबल डेट है मंथ के लास्ट तक हो सकता है, क्योंकि देखो जब भी भील ऑफ डिस्काउंट इवेंट हमारे गेम अंदर डाला गया है मंथ के लास्ट में डाला गया, इसलिए गाइस आप लोग को 28-29 तारीख बीच इसका लाइट पर डिस्काउंट से रिलेटेड इवेंट आ सकता है। देखो सिंगापुर के सर्वर में जो इवेंट डाला गया था जिसमें लाइट पर डिस्काउंट नहीं था, इंडियन सर्वर के बारे में कुछ अपडेट मेरे को नहीं है क्या कुछ इसके अंदर डालता है गिरना या फिर नहीं, बट यार इवेंट के चांसेस यहाँ पे आ रहे हैं कि आप लोग को देखने मिल सकता है। अगर आप लोग लाइट पास परचेस नहीं किया है तो थोड़े टाइम के लिए आप लोग और भी रुक जाइएगा। अब यार जुलाई मंथ का जो मिस्ट्रॉप नहीं आने वाला, बट यार अगस्त के मंथ के मिस्ट्रॉप के बारे में तो कंफर्म अपडेट आ रहे हैं, तो आने वाले जो हमारे मिस्ट्रॉप के अंदर बंडल है आप लोग देख लेते हैं। इससे रिलेटेड अपडेट आप लोग को इसलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि देखो ये जो है मंथ के स्टार्टिंग में ही आ सकता है, स्टार्टिंग में नहीं सेकंड वीक तक आ सकता है जो 15-16 तारीख के बीच हो सकता है। एंड ब्रो यार इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आपको पता है गेम के अंदर किमरन का भी आने वाला है, एक न्यू आने वाला है टोकन टावर इवेंट, साथ ही अगर हमारा इवेंट सेवन का आने वाला है नेक्स्ट फेटेड भी, इसलिए अगर गेना को अच्छे से पता है कि काफी क्रेज है हमारे इवेंट सेवन का इंडियन सर्वर के अंदर, इसलिए अगर गेना कभी नहीं चाहने वाला है कि मिस्ट्रॉप को भाई उस टाइम पे रिलीज किया जाए, इसलिए काफी पहले ही आप लोग को मिस्ट्रॉप इंडियन सर्वर के अंदर अगले मंथ में देखने मिल जाएगा। एंड बचा हुआ बाकी कुछ बंडल है जो आप लोग को फ्री में मिलने वाले हैं, और भी कुछ बंडल है जो आप लोग को किसी डायमंड के इवेंट में दिया जाएगा, तो भाई आप लोग को जितने सारे अपडेट है मैंने आप लोग को बता दिया है। आई होप इतना डिटेल्स काफी है, तो वीडियो को गाइस एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, आई होप आपसे वीडियो अच्छा लगा हो, तो साथ ही चैनल पे न्यू आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि पर डे ऐसे वीडियो अगर चाहते हो देखने के लिए, तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते किसी और वीडियो में, बाय गाइस।